अब देखो हमारा इस आइडिया का ये पहला गेम प्ले था और पहले ही गेम प्ले में हमारे साथ यहाँ पे हो जाता है कांड। भाई सर्वरफेज हैकर फिर से आ गया था जो कि भर बार बार हो ही रहा है। खैर बात करें हमारे वीडियो के बारे में, तो अभी देखो यहाँ पे जो 100% टारगेट आप कर लेते हो, जो रिक्वायर्ड पॉइंट दिखा रहा है, तो उसके बाद भी आपको कॉन्कर नहीं मिलता, तो उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। तो उसके लिए प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है, थोड़ा सा हैक वगैरह वाला। अब भाई यहाँ पे मैं बोला था पिछले वीडियो में बार बार आपको फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करना है, ठीक है, जिससे ये थोड़ा सा सही हो जाएगा और कुछ देर बाद ये सही हो भी जाता है। अब देखो यहाँ पे सीन क्या हुआ, भाई मैं ऑफलाइन बंदों को मार रहा था लेकिन एक और बंदा ऑनलाइन आ गया जो कि भाई मेरे को ही भर दिया। भाई इस बंदे के ऊपर कसम से बहुत ही गुस्सा आ रहा था। भाई यहाँ पे फटाक से मैंने 5 किल निकाल लिए, भाई मजा आ गया था। और अगर सरवाइव कर जाता तो क्या पता लास्ट तक अच्छा खासा प्लस मिल जाता, बट भाई फिनिश हो गया, रेटिन प्रोटेक्शन था तो जिसके वजह से भाई यहाँ पे अपना माइनस नहीं हुआ, ठीक है, बच गया। सो हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और भाई आप सभी का रैंक पुशिंग भी बढ़िया चल ही रहा होगा। अब देखो अभी के टाइम पे ना जो ये रैंक है बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, ठीक है, ये बंद होगा कुछ टाइम में, बंद हो जाएगा जब आपका एस मास्टर से वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा ना, तो तब बंद हो जाएगा। तब तक आप अपना रैंक पुश स्टार्ट रखो, ठीक है, यहाँ पे गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। तब आपको लास्ट में देखोगे ना डेली का यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट बढ़ता है, बस हो गया, ज़्यादा बढ़ता भी नहीं, आपका इजी कॉन्कर हो जाएगा। अब देख लो इस बंदे को भाई कितना ज़्यादा डैमेज किया, फिर जाके मारा। आप सोच सकते हो भाई मुझे बंदों को मारने के लिए किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ता है। खैर मेरा यहाँ पे पिंग हाई हो गया था, अगर आप उधर ध्यान दो तो। अब यहाँ पे भाई मैं हर बार जब रिकॉल लेने जाता हूँ, समन करने जाता हूँ ना, भाई बंदे चारों तरफ से नेड मोली जो भरते हैं ना, भाई क्या ही बताऊँ, एकदम से नानी याद आ जाती है। और भाई ये बंदे, अब मैं सोच लिया था कि भाई अब मैं आज ना किसी को रिकॉल नहीं लेने देना है, आज किसी को समन करने ही नहीं देना है, ठीक है। भाई मेरे साथ जो होता है, मेरे को एकदम से गुस्सा लग गया था। अब मेरे लिए इतनी ऊंचाई काफ़ी नहीं थी, मैं सोचा और ऊंचा जाओ और भाई यहाँ पे किसी को समन मत करने दो और भाई किसी को रिकॉल मत लेने दो। अब यहाँ पे रात से दिन हो गया, सामने एक और बंदा, चलो इन भैया जी को यहाँ पे आराम से फिनिश कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे टाइम बचा है केवल 10 सेकेंड। अब ये भैया जी एकदम से गुटकाधारी नागिन बन के अभी तक लेटे थे कि कोई यहाँ पे समन करने आए और उसको आराम से भर दें, तो भैया जी को आराम से भर देते हैं। मज़ा आ गया था, यहाँ पे इवेंट पूरा खाली कर दिया, किसी को भी समन नहीं करने दिया, सुकून मिला। भाई यहाँ पे मेरे को जिस तरह के बंदे भरते हैं ना नेट वगैरह करके ना, मैं क्या ही बताऊँ, गुस्सा लग गया था यार। खैर आते हैं हमारे टॉपिक पे कि भैया जो 100 पॉइंट रेच हो जाता है वहाँ पे जो दिखता है, उसके बाद भी आपको कॉन्कर नहीं मिलता। अब देखो सिस्टम ये है, वहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा होता है ना वो एक दिन पहले का दिख रहा होता है, मतलब भाई उतने पॉइंट पे सुबह 5:30 बजे बंदों का कॉन्कर लगा होता है वो आपको वहाँ पे दिख रहा होता है, ठीक है। वहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है वो सुबह 5:30 बजे का रहता है, डेली सुबह 5:30 बजे जब अपडेट होता है तभी रहता है वहाँ पे, तभी उतना रहता है, ठीक है। अब भाई कुछ बंदे यार यही सोच के चलते हैं कि हाँ हाँ मेरा इतना यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, यही मैं कर लूँगा तो मेरा कॉन्कर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो रिक्वायर्ड दिख रहा है बंदों का, जितने में लास्ट एकदम से लास्ट वाले बंदे का जितने में कॉन्कर हुआ रहता है एक दिन पहले, मतलब सुबह 5:30 बजे, वही पॉइंट वहां पे दिखता है, ठीक है। अब इतना बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया हूं तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बाकी उसके बाद जो रिक्वायर्ड रहता है ना, उसके बाद भी यहाँ पे 100 पॉइंट अभी के टाइम पे 100 पॉइंट बढ़ता है, तो 100 पॉइंट एक्स्ट्रा प्लस करो, तब जाके आपका कॉन्कर होगा इजी, ठीक है, उतने प्लस में। तो चलो आई होप कि कुछ ज़्यादा समझ में आ गया होगा। अब भाई यहाँ पे वोट वगैरह को मार के हमारे 6 किल हो जाते हैं, नहीं 7 किल हो गए एक्चुअली। तो अब देखो यहाँ पे भाई ये मैच जो लास्ट में जिस लेवल का इंटेंस रहता है, भाई यहाँ पे टॉप 10 करने के लिए मैंने हील बैटल किया है,
तो कसम से यार काफ़ी मज़ा आने वाला है, बस पूरा देखो आप और लाइक और सब्सक्राइब करके बैठो सबसे पहले, ठीक है? क्योंकि यार उसके बाद पूरा जब वीडियो देखोगे तो ऑलरेडी आप कर ही दोगे, इससे बढ़िया पहले ही करके बैठो, नहीं तो क्या पता भूल भूल गए, है ना। चलो भैया बढ़ते हैं सीधा लास्ट के सर्कल में। अब देखो जैसे इधर पे आता हूँ, यहाँ पे भाई हल्का सा दोनों तरफ का कवर था और भाई पीछे से भी कोई बंदा मार सकता था, तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्मोक कर लेते हैं। अब कुछ देर यहाँ पे होल्ड करता हूँ, तभी मुझे लग रहा था कि आगे वाले झोपड़े में भाई कोई बंदा है नहीं, तो गाड़ी लेके सीधा वहीं पे चले आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई बंदा रहता नहीं भाई, यहाँ पे सारे बंदे सोच रहे होंगे कि कोई बंदा रहेगा तो इसलिए कोई आया ही नहीं, बट भाई यहाँ पे मेरे गाड़ी का टायर वगैरह सामने से बंदा पंचर कर देता है। यार ये कुछ बंदे पटर पटर के क्या ही गंदा मारते हैं ना। अब यहाँ पे मेरे गाड़ी का टायर वगैरह इसने पंचर कर दिया था, तो मैं सोचा ठीक है यार मेरे को पैदल ही भागना पड़ेगा। अब जैसे इधर पे आता हूँ ना, अब देखो यहाँ सामने मेरे को ना एक बंदा स्पॉट होता है जिसको मैं लेट किस पे करने का ट्राई करता हूँ, फिर देखो कितना गंदा वाला डैमेज कर देता हूँ, बट भाई बंदा यहाँ पे मरते नहीं यार। अब देखो ये अपने को टैप 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 करके बस भाई यहाँ पे फिनिश ही कर देता, बस गए। फटाफट हील करते हैं, बाकी सर्कल देख लो अपने से कितना दूरी पे था। अब भाई यहाँ पे मेरे पास देखो अभी 4 फर्स्ट एड है, ठीक है, तो आराम से जोन में एंट्री कर जाएंगे हील करते करते। अब देख लो भाई यहाँ पे मेरे को टॉप 10 करना है, बस हो गया। टॉप 10 करने के लिए किस हद तक मैं जा सकता हूँ वो इधर पे देख लो, और भाई आप लोग से टॉप 10 हो ही नहीं रहा है, बताओ क्या सीन है यार। अब मेरे से सीखो सीखो, लाइक करो सब्सक्राइब करो और सीखो। खैर यहाँ पे मेरे पे कुछ स्मोक था जिसका मैंने पहले से ही वेस्ट कर दिया। अब देखो अभी भी यार यहाँ पे हैशटैग 11 पे पहुंचा हूँ, मतलब भाई अभी भी हमारा टॉप 10 नहीं हुआ था। डर लग रहा था कहीं हैशटैग 11 पे ही अंदर से कोई बंदा अपने को स्पॉट करके फिनिश ना कर दे, और भाई यहाँ अपने साथ जिस लेवल का मोए मोए होगा ना मैं क्या ही बताऊँ। चलो फाइनली हमारा यहाँ पे टॉप 10 हो गया, और भाई सही टाइम पे यहाँ पे अपना जोन पे भी एंट्री हो जाता है। अब भाई यहाँ पे डर ही लग रहा था कहीं से कोई बंदा स्पॉट करके बस मारी ना दे, यहाँ पे मैं सोच नहीं रहा था कि मैं बचूंगा बट बच जाता हूँ। अब आप यहाँ पे जो इंटेंस सिचुएशन होने वाला है ना वो देखो आप, चलो भैया इन सब के भीड़ में यहाँ पे कम से कम मेरे को एक किल तो मिला। अब देखो सामने दो बंदे रहते हैं, ठीक है, एक BRDM में एक शेक में, मुझे लगा भाई BRDM ऐसे ही खड़ी होगी और बंदा शेक के अंदर बैठा होगा। अब देखो मैं मोली मैंने कहाँ किया है, और पास में आके देखता हूँ भाई BRDM में कोई और ही बंदा है। चलो इस बंदे को तो यहाँ पे जी फिनिश कर देते हैं। अब देखो इस बंदे की बातें सुनो इधर पे, ये भाई यहाँ पे बस अपना पोजीशन निकाल रहा था। अब ये बंदा बोलता है कि भाई ये लंबरगिनी लेके आगे चले जाओ, मैं सोचा नहीं मेरे को ऐसे ही जाने दो। अब राइट में एक बंदा था लेटा हुआ था, मैं सोचा है BRDM वाला जाएगा उसको फिनिश कर देगा, और एक बंदा यहाँ पर लेफ्ट में था। भाई यहाँ पे क्या ही गंदा नेट आया यार। अब मेरे पास यहाँ पे भाई फर्स्ट एड वगैरह कुछ भी नहीं है,
अब जैसे इसको मारता हूँ नीचे वाला बंदा फिनिश कर देता है। अब भाई इन लोग की वहाँ पे जाके पता नहीं क्या डील हो गई, अब ये भी आड़ी वाले को चिकन ही दे देता है। यहाँ पे टीम अप का कोई मेरे को सीन नहीं लग रहा था, बट पता नहीं क्या सीन हो गया भाई, इसने चिकन दे दिया। फिर भी यहाँ पे अपने को अच्छा खासा प्लस मिल गया था। अब ये है हमारा सेकेंड गेम प्ले। अब जब आप यहाँ पे लैंड किया करो ना, तो भाई ऐसे नंगे पुंगे बंदे स्पॉट करना चालू कर दिया करो। अब सामने आता हूँ, यहाँ पे एक और बंदा रहता है। चलो इसको तो फिनिश कर देते हैं, लेकिन आगे से एक बंदा स्प्रे करता है। अब फटाफट अपने आप को हिल करता हूँ, नेट कही रहा होता हूँ, तभी देखो सामने यहाँ पे ये युवराज भैया किसी को मार देते हैं इसके ऊपर जो आया था। और यहाँ पे हम मेरे अलावा केवल सामने ये बंदा बचा है, ठीक है, जो कि पोर्टल का यूज करके जाता है, रिकॉल लेता है, जो कि किसी ने पहले से ही समन कर रखा था, और पोर्टल का यूज करके यहाँ से एग्जिट भी कर जाता है। अब भाई यहाँ पे ऐसे बंदे रहे तो मजा ही आ जाए। वो अपना रिकॉल लेके भाग गया, मैं अपना रिकॉल लेके इधर से भाग गया। अब जैसे यहाँ पे स्कूल पे लैंड करता हूँ ना, यहीं पे मेरे को फेंक दिया था। नीचे से जा रही थी एक ट्रिपलट, तो मैं सोचा जल्दी से स्प्रे करूँ, लेकिन भाई तब तक काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। अब बंदा यहाँ पे हाथ से निकल चुका था। अब देखो यहाँ पे मेरे पर रिकॉल है, फिर भी यहाँ पे मैं किसी भी बंदे पे पुश करने नहीं जाता, क्योंकि भाई ये लूट मेरा लास्ट के सर्कल में काम आ सकता है। अब यहाँ पे होल्ड कर रहा था, तभी देखो सामने का आती है चटाई पटाई। और भाई यहाँ पे इसको टिन टिन मार के आराम से फिनिश कर देते हैं, और हो जाते हैं हमारे यहाँ पे 3 किल। खैर ये वाला स्प्रे कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अब बोट भी आ जाता है, बोट को मार के हमारे यहाँ पे 4 किल हो जाते हैं। अब इस बंदे की चटाई पटाई लेके जोन में आता हूँ। यहाँ पे मेरे को गाड़ी स्पॉट हो गई, तो मैं सोचा गाड़ी से जाऊँ, बट भाई यहाँ पे गाड़ी में फ्यूल देखो कितना है, जो कि यार मेरे को उस टाइम पे ध्यान ही नहीं गया। और वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे भाई शेक में कोई बंदा नहीं था, और भाई इधर ही पे आके मेरा यहाँ पे फ्यूल खत्म हो गया। बाकी लॉबी देख लो भाई किस लेवल की हार्ड थी। अब भाई यहाँ पे सही टाइम पे ये पोर्टल ना कभी यूज नहीं होता। चलो नीचे से डैमेज आया, बट भाई यहाँ पे कोई बंदा थर्ड पार्टी नहीं किया, मतलब किसी ने स्पॉट नहीं कर रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने बहुत ही हड़बड़ी में स्प्रे किया, नहीं तो इत्मीनान से करता तो क्या पता मार ही लेता। करिए भैया जी यहाँ पे तो अपने को किल देने चले आते हैं शांति से, ऐसा नहीं करने का यार, आप दूसरी जगह जा सकते थे, यहाँ पे आपने देखा कि मैं हूँ। अब यहाँ पे एक चटाई पटाई वाला बंदा उड़ रहा होता है, मुझे पता था इस बंदे का फ्यूल खत्म होगा तो नीचे आएगा ही आएगा। जब ये ग्लेशियर चमकी उधर पे ना, तो मुझे लगा कि भाई इस बंदे को किसी ग्लेशियर वाले ने फिनिश कर दिया, बट भाई ये इसी के ग्लेशियर का वो इफेक्ट था, उसका गोली यहाँ चटाई पटाई में लगा तो चटाई डैमेज हो रहा था। अब यहाँ पे वो बंदा जून के बाहर था, तो मैं आ जाता हूँ इस वाले पत्थर पे, आराम से मैं उसको मार लूँगा यही सोच के, क्योंकि वो जून के बाहर है तो भाई जून में एंट्री करेगा ही करेगा, और उसके पास व्हीकल भी नहीं है। अब सबसे पहले पीछे स्मोक कर लेता हूँ, कि भाई पीछे एकदम से ओपन में था तो कोई भी यहाँ पे अपने को फिनिश कर सकता था। अब भाई जैसे ही इसको मारता हूँ ना, यहाँ पे यार मेरा रिमेनिंग में ध्यान नहीं जाता, बट एट द एंड मतलब टाइम पे चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में एक बंदा बचता है जो कि बीआरडीएम वाला रहता है, और वो एक स्ट्रीमर भी रहता है, जो कि यार यहाँ पे कुछ बातें होती है हमारी वॉल पे, और इससे मैं पूछता हूँ कि भाई तू मेरे को जानता है, ब्लास्टर को जानता है कि नहीं। ये बोलता है कि नहीं मैं ब्लास्टर को नहीं जानता। हेलो भाई, हैप्पी संडे। हेलो ब्रो, लेट्स गो टू जोन ब्रो। क्या रैंक चल रहा है भाई? तो लास्ट में हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, फाइट लिया जाए। खैर
खैर यहाँ पे अपना गंदी रोड पे आ गया था यार, बिना मतलब का इतना स्प्रे किया, और उसके बाद पता नहीं यहाँ पे या तो मेरा नेट गया था या तो सामने वाले बंदे का कुछ तो हुआ था। खैर यहाँ पे हैशटैग 2 पे भी अपने को अच्छा खासा 28 का प्लस मिल गया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।